तो गाइस ये पूरे 50 लाख का फर्म। अरे भाई पीछे वाला गिरा दिया उस। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मैं व्लॉग। कैसे सभी लोग, होप करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी भी दोपहर के बजे हैं 2, और गाइस जो मेरा दोस्त है उसका है बिगेस्ट फार्म जिसमें मुर्गे यानी कि ब्रॉयलर है, तो बहुत ही बड़ा है। तो वो 50 लाख रुपए का बिजनेस है उसका, तो आज पूरा व्लॉग उसके ऊपर ही आएगा। तो फिलहाल अब चलते हैं उसके फार्म पे, तो चलो। तो ये खुल गया हमारा फनी अंदाज में मेन गेट, अब अंदर चलते हैं। तो गाइस इस जो अभी जो ये खेत है जिसमें मक्का लगा के रखी है, और देखो कितना मस्त व्यू है भाई साहब, देखते रहो। और सामने यहाँ से पोल्ट्री फार्म दिख ही रहा है। तो फिलहाल अब चलते हैं अपने बाइक पे, तो बस आने वाला है, थोड़ी सी दूरी पे है, कुछ मीटर की दूरी पे। तो ये आ गया फाइनली। तो भाई हम आ गए यहाँ पे, और तो यहाँ पे 3-4 दिन से ये गाड़ी यहीं पे है, अमजित भाई की गाड़ी। तो फिलहाल ये 3-4 दिन से यही है, और आता है ये काम पे लग गया जो दवाई बना। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ जो यहाँ का बिगेस्ट पोल्ट्री फार्म है। तो ये बहुत ही बड़ा है और बहुत लंबा है, इसके अंदर बहुत सारे मुर्गे के बच्चे हैं। अभी फिलहाल ये सारे छोटे छोटे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। फिलहाल वो वहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा कितना लंबा है। और फिलहाल जो यहाँ है अमजद भाई यहाँ खड़ी है, और ये उन्हीं का खेत है पूरा। और जो ये पूरे पर्दे हैं ये इससे इसे को घुमाने से पूरे ऊपर चले जाते हैं। ये सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है, बस इसको ऐसे घुमाओ और पूरे पर्दे ऊपर चले जाएंगे। रात को ये इनको सर्दी लगती है तब इनको पूरा ऊपर लगाया जाता है, और गर्मी में। तो फिलहाल अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इनका पूरा यहाँ रात में सोने की पूरी व्यवस्था है, दो पलंग है, वो कुर्सी वर्सी सब है, और यहाँ पंखा है, और यहाँ पूरा स्टोव है जो इसका जो बॉयलर होते हैं इनका पूरा यहाँ पे पूरा दाना है, दाना पानी सारा। और देखो यहाँ पे पूरी दवाइयाँ है, जो बॉयलर को जुगा मुकाम हो जाता है तब ये पूरी काम आती है। और यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक करके रखा है, और यह पूरा सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। यहाँ पे जो दाना होता है इनका, यहाँ पे दाना पीसा जाता है, और रात को पंखे की ज़रूरत होती है। ये चक्की है जो रात में यहाँ पे जो दाने बनाए जाते हैं, तो दाने इसी में बनाए जाते हैं। अभी फिलहाल बंद है, दवा भी भरा हुआ है, और यहाँ पे पूरे जो स्टॉक है ये पूरे दाने के कट्टे हैं, और ये दूसरे है जो इनमें इनकी दवाइयाँ वगैरह आती है। और यहाँ पे लाइट का पूरा सेटअप है जो यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, अच्छा बढ़िया सेटअप बना के रखा है। और भाई मैं अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे बॉयलर रखा हुआ है अभी जो बच्चे हैं, और फिलहाल मेरा डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत तेज चोंच मारते हैं। तो भाई देखो कितने सारे यहाँ पे स्टॉक है, डर लग रहा है भाई मेरे से इनको। अभी देखो सभी दाना पानी कर रहे हैं, और फिलहाल और बाकी सब सूत आराम कर रहे हैं, और सब यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है। देखो ऊपर से आ रहे पूरे पूरा ऊपर से पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो फिलहाल यहाँ से पानी आता है और दाना इसमें भर दिया जाता है, एक छोड़ के एक फर्स्ट में पानी, फिर दाना, फिर पानी, फिर दाना, फिर पानी, इसे पूरा जुगाड़ लगा के रखा है, पूरा सिस्टम सेट है। देखो कितने प्यारे मस्त है ये। अब चल तो चले आगे चलते हैं। फिलहाल देखो ये सो रखा है अभी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस ये पूरे 50 लाख का फार्म जो बहुत बड़ी रकम होती है, और बहुत ही बड़ा है, इसमें 50,000 बच्चों का ये फार्म है, और
इसमें बहुत से पैसे भी बच जाते हैं, लेकिन इसको टाइम से टाइम संभालना पड़ता है और काफ़ी बढ़िया इनकम है। और पैसा फर्स्ट टाइम पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं लगाने पड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो देखो कितने सारे बच्चे हैं, ये जब आते हैं तो पूरे छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन वो दाना खिला के बड़े। उधर उधर की साइड भी है और बीच में पूरा स्टॉक है, और इधर भी है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, उस तरफ भी यही है। यहाँ पे देखो वजन वजन करने का यहाँ पे रख रखा है, तो इधर कम है। और भाई ये तो मर गया, गया था इस डेट। और इधर भी मस्त है पूरा, जो उस तरफ है इस जो वहाँ पे था ये भी यहीं पे है। और भाई उस तरफ ज़्यादा स्टॉक का, इस तरफ थोड़ा सा कम है फिलहाल। उस तरफ और इस तरफ सेम है, क्योंकि एक एक जगह नहीं रख सके, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है फिलहाल। और ये सही बना के रखा है इधर भी और उधर भी, बीच में पूरा जो इनका खाने का है पूरा स्टॉक है। और सेम जो उस तरफ जो पूरी चीज़ें थी ऑटोमेटिक, और इस तरफ भी सारी वही ऑटोमेटिक चीज़ें है। वही देखो इनका दाना कैसा होता है, इसमें मक्के वक्के और जाने की कौन सी चीज़ें होती है। तो फिलहाल ये यहाँ पे मस्त आराम कर रहे हैं और बस चलते हैं वापस से हम। और हाँ भाई ये बहुत ही बड़ा बना के रखा है, लागत बहुत बड़ी आती है इसको बनाने में, और जो अनुभवी होता है ना वही चला सकता है इसको। और भाई यहाँ पे है इनके इनकी ज़मीन है, तो यहाँ पे देखो सब्जियाँ उगा के रखी है। और यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, और यहाँ पे जो पानी की टंकी, इसमें दवाई मिलाई जाती है ताकि जो इनको बीमारी हो वो जो उसमें पानी आता है जो बना के रखा है, तो उसमें इस टंकी से टंकी का पूरा पानी जाता है। उसमें ऊपर दो तीन टंकी है, और यहाँ पे पूरा जो पानी का सेटअप है, कहाँ से कौन सा पानी कहाँ जाना है। और देखो कितने सारे पाइप है, इन पाइपों में से पानी जाता है, जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे जाया जाता है। और यहाँ पे से इनके कंट्रोल लगाए के रखे हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। और भाई देखो कितना मस्त है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और भाई इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत इसमें इसको इनको बार बार देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि क्या हो रहा क्या नहीं। और भाई इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो गाइस देखो कितना बड़ा ये मुर्गी फार्म है, जो आर रुसलन पोल्ट्री फार्म है इसका पूरा नाम, और मेरे दोस्त का है फैमिली। यहाँ पे देखो कितने सारे मुर्गी के बच्चे हैं, कम से कम 50,000 है ये, 50,000 बच्चे हैं। तो फिलहाल देखो कितने भाई साहब, यहाँ पे अमजद भाई है जो यहाँ पे इन मुर्गी के बच्चों के लिए दवाई बना रहे हैं अपने हाथों से, जो यहीं पे बनाई जाती है दवाई, जो इनके सर्दी जुकाम में सर्दी जुकाम में काम आती है। जो इनका मटेरियल है पूरा कंप्लीट हो चुका है, किसी से बात करते हुए पूछ रहा है कि कैसे बनानी है, और अपने हाथ से बाल्टी में पानी बनाने लगे। तो भाई यहाँ पे दवाई बनाई थी ना, वो पूरे डिब्बे में डाल दी जाएगी, क्योंकि ये बीमारी है इनको, जुकाम हो रखा है। तो फिलहाल इस दवाई से यहाँ पे इनको ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल अमजद भाई है जो पूरे डिब्बे में दवाई डालेंगे और ये इनसे सही हो जाएंगे। तो भाई इनकी बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इनकी डेथ तक हो जाती है। और गाइस यहाँ पे देखो इन चार की डेथ हो चुकी है, तो भाई इनकी ऐसे डेथ हो जाए। तो गाइस में एक को यहाँ पे पकड़ के देखता हूँ, आदमी देखा कैसा ये होता है। तो फिलहाल अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पकड़ने की, बस इसमें से एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो इस वाले को देखते हैं पकड़ने की, हो भाई हाथ से निकल गया, पकड़ लिया वापस भग गया, ये फाइनली हमने पकड़ लिया। देखो ये तो गाइस इन मुर्गी के बच्चों की संख्या यहाँ पे अभी 50,000 है, और ये देखो कितने क्यूट है। तो गाइस मैं इनके काफ़ी करीब बैठा हूँ, और बढ़िया इतना मस्त है ये भाई। ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना तब बहुत ही मस्त होते हैं, इतने इतने ऐसे होते हैं। अभी फिलहाल ये बड़े हो चुके हैं, और फिलहाल देखो जो अभी जो दवाई डाली गई है जो इनको बीमारी होती है सर्दी जुकाम, तो फिलहाल वो दवाई अभी यहीं पे बनाई गई थी वो दवाई, तो फिलहाल इन सारे डिब्बों में डाल दी गई है। तो फिलहाल ये सभी अभी उसी दवाई को पी रहे हैं। Now,
तो भाई देखो यहाँ पे एक चीज़ का मज़ा है, काम करने के बाद यहाँ पे पानी की ट्यूबवेल है। तो फिलहाल एक तो बढ़िया से नहा रहा है और एक अपनी बाइक धो रहा है, अपनी नई ये भी एमजद बाइक है, कार भी उसी की है। तो फिलहाल ये साबुन वाबुन लगा के बढ़िया तरीके से नहा रहा है और देखो एक है जो बाइक धो रहा है और इस तरफ मेरी तरफ देख। तो भाई अब यहाँ से हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम आ गया है। तो फिलहाल अब घर चलते हैं और हमने यहाँ पे कम से कम 4 घंटे बिता लिए, तो अब चलते हैं घर। तो भाई हमने लगा दिया शटर, अब चलते हैं घर। अरे भाई पीछे वाला गिरा दिया, भाई गिरा दिया पीछे वाला। तो देखो भाई अमजद भाई का ये स्टंट है। तो भाई मैं आ गया हूँ फार्म से और आते आते देखो रात से हो गए। और जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, तब तक भाई सी यू नेक्स्ट।